ये जो वीडियो में आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं ये बहादुरगढ़ के किला मोहल्ले की एस ज्वेलर शॉप की है, जहां दिन दिहाड़े तीन नकाबपोश लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लुटेरे पिस्तौल और चाकू की नोक पर लाखों रुपए के सोने और चांदी के गहनों से भरा बॉक्स लूट रहे हैं। वहीं जब सुनार ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। लुटेरे मोटरसाइकिल पर इस घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। आज हमारे साथी भाई है ज्वेलर्स, एमएस ज्वेलर्स के नाम के से जिनकी दुकान है किले में, किला पार करके, वो अपने दुकान पे दोपहर को लगभग 3:30 बजे के आसपास बैठे हुए थे। उनके पास दो कस्टमर थे, उनको सामान दिखा रहे थे। तब तक दो लड़के आए जिन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बंद रखा था और तीन दो घुसते, उन्होंने अंदर उसको काबू में कर लिया, पिस्टल लड़ा दी। तब तक तीसरा लड़का आ गया और उन्होंने सारा सामान निकलवा लिया। विरोध किया उन्होंने तो दरवाज़ा बंद करके उसको लात घुसे से मारा और फिर अंत में उसको चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक सूचना आई सारे ज्वेलर्स इकट्ठे हो गए, कुछ हॉस्पिटल में हैं, कुछ उसकी दुकान पर हैं और प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं। हमारे पास ये 5वीं 6वीं वारदात है 2 साल के अंदर। कुछ ट्रेस हो पाए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो आश्वासन अभी तक मिल नहीं पाया। जो हम चाह रहे हैं, जो सुरक्षा हम चाह रहे हैं, वो प्रशासन से अभी तक में मुहैया नहीं हो पाई है। तो हम SP साहब से भी गुहार लगाते हैं, कृपया कर व्यापारियों के सुरक्षा पर संज्ञान लें और उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएँ। लगभग 4:30 बजे की बात है और ये जो MS ज्वेलर्स है, इसका मालिक शेख चुमानुद्दीन है, ये अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ था और एक कस्टमर था। उस समय तीन लड़के आए और उन्होंने चाकू और पिस्तौल के बल पर यहाँ से जेवरात के लिए, जैसे पुलिस को सूचना मिली पुलिस मौके पर नाकाबंदी करा दी और आरोप। क्या क्या सामान ले गए सर, पता चला? अभी डिटेल्स नहीं दी। ज्वेलरी जो CCTV फुटेज चेक की जा रही है, ज्वेलरी के जो बॉक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। CCTV में सर कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं? 3 आदमी। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी उसकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और नाकाबंदी की जा रही है, तलाश के लिए टीमें डाली गई है। सुनार को भी घायल किया है सर मार के? हाँ, उसको कुछ ब्लड मिला है मौके पर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी स्टेटमेंट ली जा रही है।